ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये कौन कैसा प्रोडक्ट है, किसको देना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लेंगे। तो जितने भी लोग जूम से कनेक्टेड हैं प्लीज अपना ऑडियो और वीडियो आपको ऑफ कर, हार्वेस्ट के चैनल से हमसे जुड़े हैं आज, तो अपने इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कभी भी कंपनी कोई भी अपडेट करेगी तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक होल MI मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज उनके थ्रू ही ये सारी ट्रेनिंग्स आप तक आती है। हमारे जो सीनियर्स है वो स्टार्टिंग से एंड तक सारी ट्रेनिंग्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन आप तक जो पहुंचाई जा रही है वो करेक्ट हो, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए। तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले, हर दिन हमारे साथ हजारों लोग आज इस ट्रेनिंग के लिए जुड़ते हैं। तो मेरा नाम श्वेता राय है, हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। इंडिया में लगभग अभी तक 375 ट्रेनिंग से ज्यादा मैंने ऑल ओवर इंडिया में हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है। तो आज 4 साल से हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो आज हम ये ऑनलाइन ये ट्रेनिंग सेशन हम क्यों लेकर आए हैं, बिकॉज इस लॉकडाउन के भी टाइम पे कंपनी ने आपके लिए सोचा कि आपको ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बिकॉज इस लॉकडाउन के भी टाइम पे बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो हर दिन हमारे बिजनेस में आज जुड़ रहे हैं, बहुत सारे और तरीकों से भी हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। इसलिए हमारी कंपनी ये ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक सीक्वेंस आपके लिए लेकर आई है। बात करें, हम सब यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आज हम आए हैं, और सबसे अच्छी चीज पता है इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग की क्या है, मुझे जब लाइव ऑडियंस में जब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करती हूँ तो वहां पे हर एक प्रोडक्ट को बताने के लिए मुझे 5 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 12-15 मिनट ही मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 30, 40, 50 मिनट्स हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना आपको डिटेल में जाकर ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, जो नॉर्मली लाइव ऑडियंस के सामने, क्योंकि 4 आवर्स में सारा कुछ बताना होता है, यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट पे इतना टाइम ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपके लिए रियली में बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम डिटेल में जाकर और बहुत ही की पॉइंट्स पे आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात करें, इसीलिए हमारी कंपनी एक खुद का एकेडमी है, जिसको हम सब जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारी कंपनी इसलिए लेकर आई है क्योंकि इस बिजनेस में बस लोगों को जोड़ना, उनको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ उनको प्रॉपर एजुकेशन देना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हार्वेस्ट मानता है जब हम लर्न करते हैं तो ही तो लाइफ में पैसा आता है। 25-30 ईयर स्टडीज करते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जाके मार्केट में हमें एक अच्छी जॉब मिलती है। MI लाइफस्टाइल में भी 2,10,000 कमाना है तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी कंपनी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपके लिए लेकर आई है, और ये सारी जो ट्रेनिंग्स आप देखते हैं ये सारी हार्वेस्ट के थ्रू, ये सारी जो हमारा ये ट्रेनिंग्स है वो हार्वेस्ट के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता है। बात करें, कंपनी से आप जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वी हैव अ फेसबुक पेज जिसको आप लाइक करें, कंपनी के सारी इन्फॉर्मेशन, सारे जो लेटेस्ट जो भी एक्टिविटी कंपनी की होती रहती है, वो सारी एक्टिविटीज आपको यहाँ से पता चलेगी। अब हमारी कंपनी FMCG मार्केट का एक FMCG मार्केट में आप कह सकते हैं एक तरीके से घुस चुकी है। ये FMCG मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसका वीकली टर्नओवर इज मोर देन 6,000 करोड़, और इसका जो आपका सालाना जो टर्नओवर है वो लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा देखा जाता है। बहुत बड़ा मार्केट है। कंपनी इसमें 6 ब्रांड्स के साथ घुसी है, एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार, MI होम, और हमारा जो एग्रीकल्चर का ब्रांड है जिसका नाम है इंडिया ग्रो। तो जो एलिमेंट्स है वो हमारा आयुर्वेदा पे बेस्ड है, जो हमारा ऑन एंड ऑन उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, आहार, न्यू स्टार, MI होम, ये जो है इसमें घर में जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी चीजें हमारी कंपनी लेकर आती है। और प्लस हमारा इंडिया में, आपको भी पता है इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी हैं जो ऑर्गेनिक बेस्ड है, तो हमारे एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी के पास एक होल बहुत बड़ा एक रेंज है प्रोडक्ट्स का। बात करें, हम हमेशा से, अभी अगर मैं 10, 12, 14 दिन हो गए हमें, 14 डेज हो गए, इतने दिनों में हमने बस एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किया है कि हमें अगर बीमारियों से बचकर रहना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं देखी जाती थी, आज ज्यादा बीमारियां दिख रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई अच्छी चीजें आ रही है, लेकिन बीमारियां भी नई नई सुनने को मिल रही है। कभी नहीं सुना था कि एक वायरस की वजह से घर में बंद हो जाएंगे, और आज ऐसा हो रहा है। बात करें, हमने इतने दिनों से बस इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने की बात की कि इम्यून सिस्टम को आप कैसे अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि हर सेकेंड आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा जर्म्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, कीटाणु आपकी बॉडी में जा रहे हैं, और बॉडी हर सेकेंड उससे लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम के लिए, तो हमारे 2 ब्रांड्स हैं, जैसा जो मेन हमारे 2 ब्रांड्स है, ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स वेलनेस, जो हमारे ये सेकेंड वेलनेस का ब्रांड है वो प्योरली आयुर्वेदा पे बेस्ड है। क्योंकि हमने आयुर्वेदा को ही बेस क्यों लिया, क्योंकि बहुत पुराना ये साइंस है। पहले के लोग आयुर्वेदिक लाइफ तो मतलब आयुर्वेदिक चीजों को यूज तो करते थे, साथ में वो
अगर बात करें आयुर्वेदिक चीजों को यूज करते करते उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। आज की अगर बात करें, हम आयुर्वेदा को यूज करते हैं लेकिन हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। हम बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें कुछ ऐसा कुछ चाहिए था। इसीलिए हमारी कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, आयुर्वेदा के साइंस को यूज करके, उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बनाया है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। और ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा की गुडनेस पे बेस्ड है। और इनके बारे में बताना एक बहुत ही जरूरी चीज है माय फ्रेंड, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स के पीछे नारायणा सर का, डॉक्टर नारायणा सर का एक बहुत बड़ा हाथ है। नारायणा सर की अगर बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स आयुर्वेदा एंड फार्मा में, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट रह चुके हैं। ये एक्सपर्ट है फार्मा के, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और बात करें डाबर, हिंदुस्तान लिवर एंड बैक्सी जैसी कंपनीज में इन्होंने बड़े पोस्ट पे वर्क किया है। बहुत सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट थे, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे हैं। ही इज अ रेनाउंड ट्रेनर, प्लस ही वॉज द कमिटी मेंबर ऑफ एपीआई। एपीआई क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे साथ आज हमारे प्रोडक्ट्स के अगर बात करें, वो हमारे प्रोडक्ट्स को आज बना रही है। तो वी आर वेरी प्रिविलेज, हम बहुत लकी हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनकी वजह से और हार्वेस्ट की पूरी टीम की वजह से हमारे ब्रांड को एक बहुत हद ट्रेनिंग में, मैं ये चीज बता रही हूँ, हमारे ब्रांड को 2009 में बेस्ट एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2000 का रिकॉग्निशन मिला है। अगर आप कह सकते हैं ये जो ब्रांड है ये मेड इन इंडिया, एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का एक ब्रांड है जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, और अपने लॉन्च के जस्ट 4 से 5 सालों में इसको ये रिकॉग्निशन मिला है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने कम समय में ये रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर एक 30 सेकेंड्स का एक वीडियो है जो हर बार मैं शेयर करती हूँ, आज भी मैं शेयर करना चाहूंगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। Together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. तो ये हमें ये रिकॉग्निशन मिला है 4 साल के लॉन्च के अंदर, ये रिकॉग्निशन मिलना खुद में बहुत बड़ी बात है। अब बात करेंगे हमने वेलनेस के, हमने आयुर्वेदा को ही क्यों चुना, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेदा एक बहुत पुराना शास्त्र है, बहुत पुराना मेडिकल साइंस है, और ये जो है वो हजारों सालों से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और आयुर्वेदा की अगर बात करें तो आयुर्वेदा में कहते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। बॉडी जो है वो हमारा 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अब कहते हैं ये जो 5 तत्व है इनसे ही पूरा ब्रह्मांड बना है, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है, आपके ब्रह्मांड में भी 70% वाटर पाया जाता है। इन 5 तत्वों को मिलाकर, कहते हैं हमारी जो 5 फिंगर्स है, 5 उंगलियां है, वो भी 5 तत्वों को बताती है। इनको मिलाकर हमारी बॉडी में 3 तरीके के दोष पाए गए। दोष का मतलब वात पित्त कफ। आयुर्वेद कहता है कि वो बैलेंस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जब उसका बैलेंस खराब होता है तो जाकर प्रॉब्लम देखी जाती है। बात करें इसी को लेकर हमारी कंपनी एलिमेंट्स वेलनेस का नाम एक ब्रांड हमारा लेकर आई है। ये जो ब्रांड है हमने इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। अब बहुत सारे लोगों के आज दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी कि थाई हेल्थ को लॉकडाउन के टाइम पे बताने का क्या मतलब है, या थाई हेल्थ हमारे अगर बात करें इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करता है। अभी तक हमने बस ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात किया जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, बीमारियों से बचाता है। लेकिन अगर किसी कार को अच्छा रखना है, कार अच्छे से काम करे, तो उसके हर एक पार्ट का ख्याल रखना जरूरी है, उसके हर एक पार्ट की प्रॉपर मेंटेनेंस होना जरूरी है। मतलब एक बॉडी की इम्यूनिटी तभी अच्छी होगी जब उसके एक एक पार्ट जो है, जो भी उसके वाइटल ऑर्गन्स है, जो भी जरूरी अंग है, सारे अच्छे से काम करने चाहिए। और उस चीज में थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और थायराइड की हेल्थ को अच्छा रखना एक बहुत ही जरूरी चीज हमारे लिए बन जाती है। बात करें थायराइड के जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका नाम हमने रखा थाई हेल्थ, मतलब आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा थायराइड हेल्थ, आपके थाई हेल्थ, आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। बात करें इंडिया में थायराइड का क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो बोला जाता है हर 10 जो इंडियन अडल्ट है, जो हर 10 जो इंडियन के अडल्ट माने जाते हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर है, हर 10 में से एक को
जो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, ये हाइपो हाइपर क्या है इस पे हम आगे में बात करेंगे, मतलब 10 में से 1 को चांसेस हैं कि उनको थायराइड है। बोला जाता है इंडिया में 42 मिलियन पीपल, अगर हम बात करें बहुत ज्यादा लोग आज ऐसे हैं जिनकी थायराइड की प्रॉब्लम है या उनको हाइपरथायरॉयडिज्म का इश्यू चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आज इंडिया में उनको थायराइड का इश्यू है। कहते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो लेडीज में 3 टाइम्स ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू जेंट्स, जो मेन है उनमें थोड़ा कम देखा जाता है, लेडीज में आज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। कहते हैं 3 में से 1 पेशेंट को तो पता ही नहीं है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग नॉर्मली अपना टेस्ट नहीं करवाते, सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं लेकिन वो सोचते भी नहीं है कि इसके कारण थायराइड हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और कहते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट है, हर 3 डायबिटिक पेशेंट में 1 को थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और बहुत सारी लेडीज, खासकर जिन लेडीज की एज ऐसी है जो हम कहते हैं 18 से लेकर 30-40 साल के अंदर, ऐसी बहुत सारी लेडीज जो अपने चाइल्ड बियरिंग एज में है, मतलब आगे चल के फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे का प्लान कर रही हैं, उस केस में बहुत सारी लेडीज को इस एज में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। कारण बहुत सारे हैं, कहते हैं इस टाइम पे लेडीज में आजकल की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लेडीज में थायराइड की प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन देखी जा रही है। तो इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड क्या होता है। देखिए मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहती हूँ, हमारी ट्रेनिंग में अगर आज 25-30 हजार होंगे तो उसमें से 98% ऐसे लोग होंगे जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, जिनको मेडिकल का उतना नॉलेज नहीं है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें सारे जो आप वर्ड भी यूज करूंगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज करूंगी ताकि सबको समझ में आए। अब बस इतना याद रखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं थायराइड जो होता है वो हमारे गले के पास एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, मतलब एक तितली जैसा एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले के पास में होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर नॉर्मल होगा तो आपको छूने से फील नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है थोड़ी स्वेलिंग वगैरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके थायराइड में कुछ इश्यू चल रहा है। बात करें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड का हार्मोन कहते हैं, सिंपल आप ये थायरोक्सिन हार्मोन उसको कह सकते हैं। थायराइड के ऊपर क्यों ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि थायराइड आपके बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे अगर बात करें आप ये समझ लीजिए आपके पूरे बॉडी का ना रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं थायराइड को आप समझ सकते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आपके ग्रोथ में, आपके बढ़ने में मदद करता है, आपके बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, आपके बॉडी के वेट को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपका खाना अच्छे से, बहुत सारी चीजों में आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है, मतलब पूरे बॉडी का जो रिमोट कंट्रोल है ना आप कह सकते हैं ये आपका थायराइड ग्लैंड है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड का हमें ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर जो अगर लेडीज जो प्रेग्नेंट है या जो ऐसी लेडीज हैं उनमें थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा कॉमन देखी जा रही है, खासकर प्रेगनेंसी में इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर थायराइड का इश्यू प्रेग्नेंट लेडीज में होता है तो आगे चल के बच्चे जो फीटस है बच्चे के भी दिमाग पे असर पड़ सकता है। इसलिए थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका हमें ख्याल रखना। हमने बहुत सारे हमने प्रोडक्ट देखे लिवर पे जो लिवर का ख्याल रखता है, हार्ट का ख्याल रखता है, किडनी का ख्याल रखता है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आपके हर एक बॉडी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन थायराइड के ख्याल के लिए ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी लेकर आई है। थायराइड ग्लैंड पे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्निकल आएगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, मैं ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगी। आप जब भी खाना खाते हैं उसमें जो नमक होता है, नमक में जो आयोडीन होता है उसको थायराइड ग्लैंड आपको यूज करके हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स बनाता है। जैसे हमारा एक T3 T4 आपने सुना होगा, जब भी आप किसी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें T3 T4 हार्मोन लेकर आता है और एक TSH हार्मोन लिखकर आता है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे चीज याद आई, एक चीज आपको थोड़ी टेक्निकल लगेगी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपके दिमाग के पास जैसा आप इस फोटो में देख रहे होंगे एक ऑर्गन होता है जिसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं, वो आपके बॉडी में TSH बनाने में हेल्प करता है। TSH को हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। आप जब भी किसी का थायराइड का रिपोर्ट देखेंगे उसमें बस 3 चीजें लिखकर आएंगी, T3 T4 एंड TSH। जैसे यहां से TSH रिलीज होता है, जैसे वो TSH बनता है हार्मोन, आपके थायराइड को एक सिग्नल मिलता है कि अभी मुझे आपका थायरोक्सिन हार्मोन को बनाना है। तो अगर आपका T3 T4 कम है तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हार्मोन बनाएगा, TSH बना प्यूटिट्री आपका ज्यादा हार्मोन बनाएगा, अगर वो ज्यादा है तो TSH आपका कम बनेगा। तो सिंपल आपको बस यही रखना, याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 बनाता है और आपका प्यूटिट्री जो है आपके दिमाग के पास वो आपका TSH हार्मोन बनाता है।
बात करें अगर थायराइड के ऊपर, हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल जो है, बहुत सारी चीजें आपके थायराइड के हेल्थ को इफेक्ट करती है। जैसे अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं, तो आपका थायराइड का हेल्थ खराब होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में है तो भी आपका थायराइड का हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। खाने में आप ज्यादा नमक नहीं ले रहे हैं, ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि नमक में जो आयोडीन होता है वो आपका थायराइड यूज करके थायराइड से हार्मोन बनाता है। और कभी कभी जेनेटिकली भी देखा जाता है, अगर पेरेंट्स को है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ प्रॉपर केयर उसका करना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में सबको है तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड का इश्यू आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव है, आप कोई भी अपनी लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू देखा जाता है। तो थायराइड को बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। आपके अच्छे थायराइड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स आपको याद रखने होंगे, एक है हाइपर थायरॉयडिज्म और एक होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में T3 T4 ज्यादा बनने लगता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स दिख रहे होते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारे लोग बहुत उनको नर्वसनेस होता है, डर लगता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, या बहुत ज्यादा स्वेट होती है, गर्मी होती है, बहुत लोगों के हाथ पैर हमेशा कांपते रहते हैं, शेक करते रहते हैं। बहुत सारी लेडीज में थायराइड के इश्यू में बाल झड़ना बंद, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ये भी एक सिम्टम देखा जाता है। कुछ लेडीज में हल्के पीरियड्स आने लगते हैं, या तो बहुत ज्यादा मिस होने लगते हैं। अगर आपके पीरियड्स का फ्लो बहुत कम है, 1 से 2 दिन ही आपके पीरियड्स रह रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू हो सकता है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, आपको सिम्टम्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स है लेकिन उन्होंने अपने अभी प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाया है। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं। ये है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जब ज्यादा बन रहा है। अगर ये चीज कम बन रही है, T3 T4 कम बन रहा है, तो बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती है, उनको हमेशा थकावट रहती है। याद रखिएगा, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको हमेशा थकावट, टायर्ड आप फील करते हैं, आप किसी चीज पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, और आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को ज्यादा ही ठंड लगती है, आपको टेम्परेचर उतना नहीं होगा लेकिन आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी, और बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स और फ्रीक्वेंट पीरियड्स आने लगते हैं। मतलब आपके कुछ कुछ लेडीज को मैंने बहुत बार सुना है कि दिन में, महीने में 7 से 8 घंटे में पीरियड्स रह रहे, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को मसल्स और जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की भी प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन दिख रही है। तो इसमें से अगर किसी को भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो एक बार अपने थायराइड का टेस्ट जरूर करवाइए। तो अभी हमें टेक्निकली ज्यादा अंदर नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, या तो एक हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम होता है, या तो ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। बात करें हम इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, इसमें भी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, जब भी आप किसी का थायराइड का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें 3 चीजें लिखकर आती है, एक होता है T3, एक होता है T4 और एक होता है TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्ट्यूमुलेटिंग हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो आपके थायराइड को स्ट्यूमुलेट कर रहा है, उसको सिग्नल दे रहा है। तो आप ये याद रखिएगा, TSH आपके दिमाग के पास जो यहाँ पे प्यूटरी होता है उससे बनता है, जब वो निकलता है तो आपके थायराइड को सिग्नल मिलता है, तब आपका थायराइड T3 T4 बनाता है। तो इसके ही बेसिस पे, इसके इसका जितना बोला गया है रेंज होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, तो ये मेंटेन होना चाहिए आपका T3 T4 TSH, ये मेंटेन होना चाहिए। अब अगर बात करें, आपने अपना टेस्ट रिपोर्ट करवाया, आपको अच्छा खासा आपका आपने रिपोर्ट करवाया, आपके पास आपका रिपोर्ट है, अब आपने देखा कि अरे मेरा तो थायराइड बढ़ गया है या मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, दवाइयां देते हैं, और कितने दिनों के लिए देते हैं, लाइफ टाइम देते हैं। मतलब थायराइड और कुछ बीमारियों की जो दवा है वो हमें लाइफ टाइम खानी पड़ती है, लेकिन जब आप लंबे समय तक ऐसी मेडिसिन को लाइफ टाइम लेते हैं तो क्या होता है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं,
जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सालों से ऐसी जब मेडिसिन लेते हैं तो नर्वसनेस होने लगता है, बहुत सारे लोगों की हार्ट पैल्पिटेशन, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होने लगती है, हाथ वगैरह शेक करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, बहुत सारे लोगों में वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब थायराइड का वेट लॉस से क्या संबंध है? हमारा जो थायराइड है ना, वो दो हार्मोन तो बनाता है, आप सबको पता है, T3 T4, उसके साथ वो एक और हार्मोन और बनाता है जिसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। आपको नाम रटने की जरूरत नहीं, बस आप इतना रखिए, थायराइड जो वो तीसरा हार्मोन बनाता है उससे आपकी हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब किसी को थायराइड का इश्यू होता है तो बहुत सारे लोगों में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। हड्डियां कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण है अगर आपका थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वही आपके बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। और जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है तो बोन्स बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, मतलब आप अगर हल्का सा भी गिर जाते हैं तो बोन्स टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो आपके कैल्शियम में भी आपका थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे लोग जिनको बहुत सालों से ऐसी मेडिसिन लेते हैं ना, तो उनका बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होता, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। इसीलिए बात करें माइंड फ्रेंड, हमारी कंपनी ने क्या देखा कि थायराइड पे अगर बात करें तो मार्केट में ऐसी ही मेडिसिन है, तो क्यों ना थायराइड पे कोई ऐसा मेडिसिन लेकर आए। क्योंकि आप सबको पता है हमारी कंपनी ने आयुर्वेद को यूज किया है, आयुर्वेद के साइंस को यूज करते हुए हमारा एलिमेंट्स वेलनेस बनाया है। इसीलिए हमारी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई है जो बेस्ट सोल्यूशन आपको देती है, 100% आयुर्वेदिक है, और जिस चीज के लिए आप उसको ले रहे हैं, मतलब आप थायराइड के लिए ले रहे हैं, तो आपके थायराइड पे ही काम कर रही है और 100% नेचुरल है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका नाम हमने रखा है थाई हेल्थ, जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा करता है। अब बात करें इस प्रोडक्ट में खास क्या है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं बात करूंगी, तो उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थाई हेल्थ एक लिक्विड फॉर्म में है और इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब है ये आपको आपकी मेडिसिन के साथ ही लेना है। जब भी चीजें हम कोई एडजुवेंट कहते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब जो भी आप उस चीज को ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी, आप इसको एज एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट टाइप का ले सकते हैं, एडजुवेंट टाइप का ले सकते हैं, जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखता है। और ये जो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है ना माय फ्रेंड, ये कोई एक दो साल पुराना फॉर्मूला नहीं है, हजारों सालों से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के बेस पे हमने इसमें कुछ ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो बहुत सालों से आपके थायराइड के हेल्थ को ही अच्छा रखने में यूज किया जा रहा है। और ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं अभी कुछ महीनों से अगर बात करें, तो ये ऑलरेडी ये जो नोवेल फॉर्मूला है वो 10 सालों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दे रहा है, और बहुत सारे फिजिशियन इस फॉर्मूले को बहुत सालों से 10 सालों से इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक नया प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये बहुत सालों से एक नोवेल फॉर्मूला जैसे इसको यूज किया जा रहा है। इसमें जो आपको हर्ब्स के कॉम्बिनेशन डाले गए, जो जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डाले गए, आपको मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। इसमें अक्सोदा, जलकुंभी, सिगरू, ऐसी बहुत सारी और भी जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। आगे बात करें माय फ्रेंड, ये बहुत सारी चीजों में काम करता है। आपके थायराइड में अगर कोई इंफ्लेमेशन है, कोई सूजन हो गया है, थायराइड का जो भी प्रॉब्लम है, कोई अगर उसमें ये एंटी इंफ्लामेटरी में भी काम करता है, सूजन कम करने में भी मदद करता है। बॉडी में अगर कोई पेन है, तो बहुत सारे लोगों को जिनको थायराइड का इश्यू रहता है उनके बॉडी में पेन रहता है, उसको भी कम करता है। थायराइड अगर आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो दिमाग शांत नहीं होता है, तो इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं आगे हम बात करेंगे जो आपके दिमाग को भी शांत करती है। देखिए सिंपल सी एक चीज है, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलती हूँ, कोई नल टूट गया है, पानी निकल रहा है, अगर आप बस पानी साफ करोगे तो जिंदगी भर साफ करना पड़ जाएगा। यही मार्केट की मेडिसिंस करती है, जो आपका थायराइड नहीं बना पा रहा उसको मार्केट से हम उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारे जो आयुर्वेदिक एडजुवेंट है या हमारे जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, वो क्या करते हैं, आपके ओवरऑल चीजों पर काम करते हैं, मल्टी फंक्शनल होकर काम करते हैं। जो भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके माइंड से हो, चाहे आपके डाइजेशन से हो, हर चीज पे थोड़ा काम करता है। इसमें जो एक एक हर्ब्स है, आज हम थोड़ा उनके बारे में डिटेल में जाकर बात करेंगे। जो हमारा अक्सोदा, कंचकारा और जलकुंभी है, वो आपके थायराइड पे काम करता है, और ये क्या करता है, आपके T3, T4 एंड TSH उन सारे लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। जो गूगल है वो क्या करता है, अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसके मैनेजमेंट में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। चित्राता जो है
वो आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और आपकी भूख को बढ़ाने में भी मदद करता है। जैसा आप देख रहे हैं, हम बस एक नहीं कर रहे हैं कि आपका कोई हार्मोन नहीं बन रहा है तो हमने उसको सप्लाई कर दिया। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में अलग अलग तरीकों से काम करता है, हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। मंडू कपाली और जो शंख पुष्पी आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपके दिमाग पे काम करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके प्यूटिट्री पे काम करता है। अगर आपका प्यूटिट्री ग्लैंड जो है वो अच्छे से TSH बनाएगा तो आपका थायराइड जो है उसका भी हेल्थ मेंटेन रखने में मदद करता है। जो शिग्रू है उसमें फॉस्फेट आयरन बहुत अच्छे से होता है जो आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद होगा तो ये जो त्रिकटू है वो हमारे हमने आयुष्वास में भी डाला था और त्रिकटू आपको बहुत सारे हमारे और भी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। तो आज त्रिकटू के ऊपर थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ त्रिकटू क्या है। हमने लास्ट चीज टाइम पे भी बात किया था कि त्रिकटू तीन चीजों को मिलाकर बनता है। एक हमारा सुंठी जिसको हम सौंठ भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम जिंजर पाउडर, जो ड्राइड जिंजर पाउडर होता है उसको सौंठ भी बोला जाता है, सुंठी भी बोला जाता है। दूसरी जो मरीचा होता है जिसको हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो मरीचा को लिया जाता है। और पीपली, ये तीन चीजों को मिलाकर ये त्रिकटू बनाया जाता है। तो ये जो त्रिकटू है इसकी पोटेंसी बहुत हाई होती है, आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस प्रोडक्ट में त्रिकटू एज अ योग वाही का भी काम करता है। मतलब जिस भी चीज में ये त्रिकटू में से कोई भी चीज या त्रिकटू डाला जाता है वो और जो जड़ी बूटियां उसमें डाली गई हैं उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ा देता है। मतलब और जो हर्ब्स है वो और अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में काम करेंगे। तो ये बहुत ही एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमारे साइंटिस्ट लेकर आए हैं। त्रिकटू हमने उसमें डाला है जो आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। आपने बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स को ऐसा भी देखा होगा जिनको एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, मतलब बहुत ही ज्यादा फटीग महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। तो इसमें शर्करा डाला गया है जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं बस थायराइड पे नहीं, प्यूटिट्री पे भी काम कर रहा है, भूख को भी बढ़ा रहा है, पाचन क्रिया को भी अच्छा कर रहा है, आयरन को भी एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है और भी जड़ी बूटियों पर काम कर रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, हर तरीके से आपके थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर रहा है। इसमें हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली है जैसा हमने देखा। तो इन नटशेल आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको किसी को बताना है तो आप ये कह सकते हैं हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो आपके T3, T4 एंड TSH के लेवल को बैलेंस करता है और आपके प्यूटिट्री पे काम करता है। अब बात करें एलिमेंट्स वेलनेस में ऐसा है क्या जो उसको खास बनाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये आपके T3, T4 एंड TSH को बैलेंस करता है। दूसरी चीज जो थायरॉइड से रिलेटेड जो और प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे बहुत सारे थायरॉइड के पेशेंट को वेट लॉस हो देखा जाता है, तो वेट लॉस में भी हेल्प करता है और जिनका अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसपे मेंटेन करता है कि उनका वेट लॉस ना हो, और जिन थायरॉइड पेशेंट का वेट बढ़ गया है तो वेट कम करने में भी हेल्प करता है। और दूसरी चीज फिजिकल एनर्जी, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है उसको बढ़ाने में मदद करता है और स्ट्रेस से लड़ने में भी मदद करता है। थायराइड पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि दिमाग शांत नहीं होता है, इसका बहुत ज्यादा असर आपके माइंड पे भी पड़ता है, तो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो भी हमारा लिक्विड है वो सारा जो लिक्विड है उसपे बहुत ही कम शुगर डालकर उस लिक्विड को बनाया गया है। तो ये जो भी हमारे लिक्विड है वो आप डायबिटिक पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन जितना उनको डोज बोला गया, जितना स्टेटेड डोज है उतना ही उनको देना है अगर वो डायबिटिक है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, आप उनको भी दे सकते हैं। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोडक्ट को बहुत ही केयरफुल होकर आपको मार्केट में लाना है। कभी आपको मार्केट में किसी को ये नहीं बोलना है ये थायराइड को क्योर कर देगा, ऐसा वर्ड आपको यूज ही नहीं करना है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोजेक्ट करना है। इसके डोजेस क्या होने चाहिए, देखिए इसको आप एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको मार्केट में दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे जो बहुत सालों से थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको पहली बात कभी किसी की मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है, आपको क्या बोलना है, इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट, आपको अपने जो भी मेडिसिन चल रही है उसके साथ ही लेना है। बट ऑलवेज कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे का गैप आपको जरूर मेंटेन करना है, तो इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, अगर किसी की थायराइड की दवा चल रही है पहले उनकी थायराइड की दवा उनको देनी है,
एक घंटे के बाद आपको थाई हेल्थ का 2 से 3 चम्मच आप इसको ले सकते हैं, और आप चाहे तो उसमें पानी भी मिलाकर पी सकते हैं। या तो आपने कप में 2 से 3 चम्मच निकाला, उतनी मात्रा में उसमें पानी डाला और आपने उसको ले लिया। मिनिमम 3 महीने के बाद आपको इसको अपना टेस्ट करवाना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हमारे 3 प्रोडक्ट थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी, आयुष्वास, इन 3 प्रोडक्ट को दिन में 2 बार लेना है, और वो भी एम्प्टी स्टमक लेना है। मतलब अगर आपने थाई हेल्थ को पहले थायराइड की दवा ली, थाई हेल्थ लिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, 15-20-25 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और रात में डिनर से 20-25 मिनट आधे घंटे पहले आपको फिर से थाई हेल्थ के 2 से 3 चम्मच आपको लेने। तो इस तरीके से आपको थाई हेल्थ का डोज लेना है, मतलब एम्प्टी स्टमक लेना है और दिन में 2 बार लेना है, और 3 महीने के बाद आपको एक बार फिर से अपना टेस्ट करवाना है। तो ये चीज याद रखिएगा, और टेस्ट के हिसाब से अगर आपका थायराइड नॉर्मल है तो डॉक्टर आपके उसके हिसाब से आपके डोजेस को, जो आपके थायराइड की मेडिसिन चल रही है उसके डोजेस को डॉक्टर ऑल्टर करेंगे। आपको वो थोड़ा भी टेपर करने की जरूरत नहीं, आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं। बात करें इसमें कुछ चीजों का, आपको स्पेशल ख्याल रखना है। कभी किसी को ये नहीं बोलना है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो थायराइड को क्योर कर देगा, कभी किसी को ये क्योर वर्ड आपको यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको परमिट नहीं करती है कि आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट ले लो आपके थायराइड को क्योर कर देगा। और डोजेस जितना बोला गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सुबह शाम बोला गया है तो सुबह शाम ही आपको लेना है, ये चीज याद रखिएगा। और ये मत सोचिए कि हाँ 10 दिन लिया तो मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी। देखिए हमारे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने डायबिटीज में भी बताया था, हर चीज में बताया था, उनको अगर 10 प्रोडक्ट दे दो ना वो खा लेंगे, लेकिन एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बोलो या अच्छा खाना बोलो तो उसमें बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको अच्छा थायराइड हेल्थ रखना है तो आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन लेडीज को थायराइड का इश्यू है वो अच्छी सारी चीजें मेंटेन करें। आपके पीरियड्स का रेगुलर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है, तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज में अगर आपको थायराइड का इश्यू है उनके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर सारा कुछ हैंडल करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर के लिए नहीं है। आप डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन जितना डोज रिकमेंड किया गया उतना ही डोज आपको देना है। और 15 साल के ऊपर के बच्चों को, तो प्लीज नोट कर लीजिए, 15 साल के ऊपर के बच्चों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, दिन में 2 बार अभी आप ये दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, जस्ट एक रिवाइज करने के लिए कि हमने इस आधे घंटे में क्या देखा। थाई हेल्थ ये कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स एन आयुर्वेदिक एडजुवेंट जो आपके थायराइड हेल्थ को मेंटेन रखता है। दूसरी चीज, आपके थायराइड पे काम करता है, प्लस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। T3, T4 एंड TSH के लेवल को बैलेंस करता है। ऐसा फॉर्मूला मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट टाइम मार्केट में लाया गया है जो शार्पली आपके थायराइड के हेल्थ को भी अच्छा करता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें जितने भी जड़ी बूटियां हैं ये बस आपके थायराइड पे काम नहीं करती, थायराइड के हेल्थ को अच्छा करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखती है, पाचन को अच्छा रखती है, आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आपके पूरे पाचन तंत्र का ख्याल रखती है, और आपके माइंड से रिलेटेड जो भी मतलब तो आपके दिमाग को शांत रखती है, मंडूकम पारमी जैसे आपने इसमें देखा, आपके माइंड को शांत रखती है। हर 3 महीने के बाद आपको टेस्ट करवाना है, और आप उसको रेगुलर कंजप्शन कर सकते हैं। आपने 2-3 महीने लिया, आप 3 महीने के बाद आपने टेस्ट करवाया, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन थायराइड की दवा बंद नहीं करनी है, उसके साथ ही आपको ये प्रोडक्ट लेना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा थाई हेल्थ, जिसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, थायराइड से समस्या से छुटकारा बट स्वास्थ्य में सुधार, एलिमेंट्स वेलनेस थाई हेल्थ, मंत्र ही एक ही उपचार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और जितने भी लोग हैं जिनको थायराइड का इश्यू है या अपने थायराइड हेल्थ को भी अच्छा रखना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के कुछ एडवांटेजेस, उसमें से जो 3-4 एडवांटेजेस मैंने आज लिए वो क्या है। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, आप जब अपने इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ना, जड़ी बूटियां, तो जड़ी बूटियों के लाइन के नीचे आपको एक लाइन लिखी होगी API/IH as applicable। इसका मतलब क्या है,
ये एपीआई जो आप एक रेड कलर की बुक देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री प्रिंट करवाती है, और जो भी प्रोडक्ट्स इसके रेफरेंस में बनना चाहिए, लेकिन बहुत कम कंपनीज इसको फॉलो करती है। हमारे हर एक प्रोडक्ट एपीआई के रेफरेंस में बनाए गए हैं। नारायण सर एपीआई की कमिटी मेंबर रह चुके हैं, तो उनको सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे इंडिया के, जैसे अगर बात करें जो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो आपने एक और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, अगर आपने ध्यान से उसको देखा होगा, पार्ट ऑफ हर्ब यूज्ड ऑन द पैक, मतलब हमारी जो भी जड़ी बूटियां हैं, जो भी हर्ब्स है, उसका हमने कौन सा पार्ट हमने अपने प्रोडक्ट में डाला है, वो भी हमने अपने प्रोडक्ट पे मेंशन किया है। आपको पता है जब हमने ये लिखना स्टार्ट किया था, दैट टाइम इट वाज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक रूल बना दिया है, हर कंपनी को ये लिखना जरूरी है कि उसने कौन सी जड़ी बूटी का कौन सा भाग लिखा है, डाला है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि आपको पता है एवरी हर्ब हैज गॉट 41 पार्ट्स, हर जड़ी बूटी के 41 पार्ट्स होते हैं। आपको डालना है, अगर बात करूं जैसे रेवंचिनी के रूट्स, तो आप उसमें रेवंचिनी की लीफ नहीं डाल सकते। अगर आप लीफ पत्ता डालते हो तो वो वैसा काम नहीं करेगा जैसा उसको करना चाहिए था। इसीलिए हमारी कंपनी हर एक छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल रखती है। तो हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है वो एपीआई के रेफरेंस में है। हमारे हर एक बैच की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है। जैसे जितने भी लोग हैं ना पूरे दुनिया में, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, किसी का फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता, वैसे ही हर एक जड़ी बूटी हर एक हर्ब्स का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हमने 7-8 साल पहले कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका हमने एक फिंगरप्रिंट लिया। आज कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका एक फिंगरप्रिंट लिया। मार्केट में रिलीज करने से पहले हर एक फिंगरप्रिंट की बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है। देखा जाता है कि पहले जो फिंगरप्रिंट था, अभी जो फिंगरप्रिंट है, क्या दोनों आसपास है, क्या दोनों एक जैसे हैं या सिमिलर है, ये सब होने के बाद ही प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 5 साल पहले कोई प्रोडक्ट लिया और अभी कोई प्रोडक्ट लिया, उसका टेस्ट क्वालिटी इफेक्ट वो वैसा ही काम करेगा जैसा वो 5 साल पहले काम करता था। मार्केट में अगर 10 कंपनीज है तो उसमें से एक या दो ही उसको कर पाती है, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हमारी हर एक बैच की क्वालिटी फिंगर की जाती है। यही प्रूव करता है माय डियर फ्रेंड हमारी क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी कितनी हाई है। बात करें हर एक प्रोडक्ट में, जैसा आपने देखा नॉवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए, इसमें बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स डाले, बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, अक्षोदा, जलकुंभी, सिगरू, ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं जो मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हमारी कंपनी हर एक प्रोडक्ट में कुछ यूनिक चीज लेकर उस प्रोडक्ट को बनाती है। बात करें, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी देखे, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स देखे, बॉडी को अंदर से साफ करने के प्रोडक्ट देखे, वेल हार्ट को कैसे अच्छा रखना है वो देखा, किडनी को कैसे अच्छा रखना है वो देखा, और आज हमने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा जो आपके थायराइड हेल्थ को भी अच्छा रखता है। आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, अभी हम कल एंटी एलर्जी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम विमेन कंपेनियन के ऊपर बात करेंगे, फिर मेल्ट पैक, न्यूट्रीलाइफ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जो भी हमारा YouTube से जुड़े हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी हमारा फ्यूचर ट्रेनिंग्स होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपने रिलेटिव्स को भी जरूर जोड़िए, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, आप उनको बोलिए कि आप इस चैनल को जाइए सब्सक्राइब करिए, आपको हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारे लोग उससे भी आपके इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं। माइंड तो बिजनेस बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। लास्ट में टाइप्स ऑफ कस्टमर, मार्केट में आपको 3 तरीके के कस्टमर मिलेंगे, ए, बी एंड सी। बात करें ए की, ए में ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे हैं, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में ऐसे लोग आते हैं जो बीमार हो चुके हैं या हल्की फुल्की सिम्टम्स है, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम लग रही है, वीकनेस लग रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। सी में क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं। हमारा जो मार्केट है वो ए एंड बी का ही है। आप देख रहे हैं ए और बी में ज्यादा लोग हैं, तो हमें बस ए और बी तक ही जाना है, प्लीज सेक्शन सी में हमें नहीं जाना है। उसके लिए मार्केट में बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, प्लीज उधर मत जाइए, वो आपका काम नहीं। और हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स साइट पे हैं, ई कॉमर्स साइट पे जो भी अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सस्ते रेट्स में, तो कंपनी उसकी कोई गारंटी वारंटी आपको नहीं देती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही खरीदना है, या जिन्होंने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया आप उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको सही जगह बताएंगे जहां से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो माय फ्रेंड, आज एक नई चीज भी होने वाली है, जो भी लोग हमसे जूम पे कनेक्टेड हैं, आज उनके आपको स्क्रीन पे अभी एक पोल दिखेगा,
उस पोल के थ्रू आप कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसका आपको आंसर देना है। तो जो लोग जूम पे कनेक्टेड है उनको ये दिखेगा, और यूट्यूब अभी हम कुछ देर के बाद अभी हम क्वेश्चन सेशन करेंगे, पोल के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो 5 मिनट का होने वाला है। तो अभी एक पोल आपके सामने आएगा, बहुत सारे लोगों का ऑडियो और वीडियो देखिए, हमारे कैप्सूल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों का कि ज्यादा कैप्सूल्स खाने की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।